हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू मामा ब्लॉग्स पर। तो अब हो रहा है शाम का टाइम। आज मैंने ब्लॉग शाम के टाइम से, मतलब रात ही है, अब रात के टाइम से स्टार्ट किया है। और आज है 1 जनवरी 2022। तो आज है नए साल, और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके परिवार में दुआ है भाई, बहुत बहुत खुशियां बनी रहे। जितनी अब इससे चार गुना ज्यादा, मतलब पूरे साल बनी रहे। ऐसे पूरी जिंदगी आप खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज किट्टू के पापा आए हुए हैं, अभी आए थे, ज्यादा देर 2-3 घंटे हो गए हैं, लेट ही चले थे वे, तो लेट ही आए हैं। और मैंने बनाए आलू के पराठे, और वो मैंने इसलिए बनाए, अब आपको हो गए कि आलू के पराठे सुबह को बनाने चाहिए नाश्ते में, तुम शाम को बना रही हो, तो मैंने शाम को इसलिए बनाया कि सुबह को वे जल्दी चले जाएंगे, और जल्दी फिर सुबह को उठा नहीं जाता है यार, सबको ठंड लगती है। मेरे सुबह को उठने में इतना हल्का सता है ना, बहुत ज्यादा मेरे पे सुबह को उठा नहीं जाता है। तो जल्दी नहीं उठ, वैसे तो बना के दूंगी उन्हें खाने पर, जैसे आलू के पराठे ना इनमें टाइम लगता है, तो इस वजह से तो अभी बनाए हैं मैंने, और खाए भी अभी, बना तो लिए है मैंने। किट्टू के पापा ने नहीं खाए हैं अभी, और इसकी दादी ने भी नहीं खाए, मैंने भी नहीं खाए, बस किट्टू के पापा जी ने और चाचू ने खाए हैं। और क्या नाम, इसलिए बनाए क्योंकि बाहर जब रहते हैं ना तो और सारी चीज़ बना लेते हैं, पर जैसे ऐसी चीज़ें वे नहीं बनाते क्योंकि काम पे भी जाना होता है, जल्दी जल्दी अपना सब्जी सुब्जी बनाओ, इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो इस वजह से तो मैं सोचा चलो आज आलू के पराठे बना दो, और जिनके लिए आलू के पराठे बनाए उन्होंने खाए भी नहीं, बताए भी नहीं कैसे बने, जब खाए नहीं कह रहे मुझे भूख ही नहीं है। देखो लेट खाते हैं खाना, तो देखते हैं कब तक खाएंगे, मैंने आटा रोक दिया है, जब खाएंगे जब भी बना के दे दूंगी। और चलिए जी, आप ब्लॉग में बने रहिए, जो भी आप मतलब थोड़ा बहुत तो करेंगे तो वीडियो बनाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। ये देखिए जी, हमारे देवर को कुछ बनाओ तो इसे अच्छा नहीं लगता, पराठा लेके आया, कह रहा है पता नहीं कैसे बनाया होगा। तो अब बता तो कैसे बन रहा है, शर्मा ना देखो इसका। है कभी सतीश को कोई पसंद कर ला है सतीश, इतना क्यों शर्मा रहा? इसका शर्मा ना, ये बहू है, बैठ के खाया करे, खाना लेट के नहीं खाया करते। हाँ okay. इतना शर्मा रहा बिल्कुल, बैठ तो जा, बैठ के खा ले खाना, बैठ के खा ले, बैठ के तो जी ये देखिए सबने खा लिए थे, मैं रह रही थी और इसके पापा रह रहे थे, इसकी दादी रह रही थी, तो मैं बना रही थी, मैंने इसके पापा को और इसकी दादी को भी दे दिया था, फिर मैं बना रही थी अपने लिए बाद में। तो ये बना रही हूँ मैं परांठे, देखिए ऐसे बनाती हूँ मैं, बिल्कुल धीमी आँच में बनाती हूँ और ऐसे धीमी आँच में सेकती हूँ इसे, और बिल्कुल अच्छा सा बन जाता है ना, जब करारा करारा तो अच्छा, मतलब टेस्टी लगता है करारा करारा गर्म गर्म, और जब धीमी आँच में बनाते हैं ना तो तब अच्छा बनता है करारा, और तेज़ आँच में बनाते हैं ना तो वो जल से जाता है, तेज आंच में अंदर से ना कच्चा रह जाता है, तो इसलिए धीमी आंच में ना बहुत अच्छा बनता है करारा करारा सा। तो ये बन गया है परांठा, देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना गरम गरम। तो जी ये बन के हो गया है परांठा तैयार, और आइए जी आप भी खा लीजिए आलू के परांठे गरम गरम। तो मैं चाय के साथ खाऊंगी, मैंने चाय बनाई थी, तो चलिए जी अब मैं खा लेती हूँ खाना, आइए आप भी खा लीजिए। किट्टू कौन आ रहा? पापा जी। तेरे पापा जी, और आज क्या है? नया साल, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर है, पनीर नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हटा तो आगे दे, सुनो तो आप क्या दे रहे मुझे गिफ्ट नए साल पे, है फोन जो से मैं ले रही, बताओ तो क्या दे? रुक जा किट्टू, अपने पापा को नुको, पापा गिफ्ट दे वो मैं। वो लादी चाट दे खाता है। चाट का भी कोई गिफ्ट है? गिफ्ट बताओ क्या दे रहे? अभी नहीं भाई। है? अभी तो नहीं हो रहे। मुझे तो आज ही चाहिए। आज मैं लेने वाला था गाड़ी में, कहीं फेर मकान उठाई कुछ ले खरीद ला। अच्छा इसलिए लाए नहीं,
सोचा था वैसे क्यों गाड़ी में सूट था। अरे मेरे साथ ही बैठ गया था, बेच के पराठे तो मेरा भी सूट लिया था। तो लाने वाले थे पर लाए नहीं। अच्छा तो इसलिए सूट मिलाए। अभी भी नहीं है। एक तो तू मांग ले अपने पापा पर, को पापा नए साल के गिफ्ट दो। ये तो अपने पापा के बाल बाल। एक ही तो। अरे वो तभी जो। क्या बना रहा डुगु तू? बेड़ियो। बेड़ियो? अच्छा देखो किसकी बना रहा? पापा की। पापा की वीडियो बना रहा है? क्या? बाल बाल ला। यो तू बता क्या बन रहा? दिखाओ। अच्छा ये बता मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मुझी। तू मोटा? तू मोटा दिखाओ। तेरे पापा ने इतने दिन तक वहाँ सीढ़ नहीं पाया है? खराब होगा। अच्छा अच्छा ये टोपा उड़ रहे थे। अच्छा सिर सार बा के भेजे गया अपने पापा का? माँ कहा कर ली। माँ तो मूंगफली खा रही, तिल सकरी खा रही। वे बैठी माँ तो रजाई भी नहीं ले रही। माँ बैठी कह देने को माँ रजाई ले लो, कपड़े बिछा लो, दे दे चल। तो ये देखिए किट्टू को ना बालूशाही बहुत पसंद है, और यहाँ की ना बालूशाही बहुत वो है, मशहूर है और बहुत अच्छी बालूशाही होती है। और किट्टू को बहुत पसंद है ये, जब भी आते हैं इसके पापा अपने पापा से बालूशाही मंगवाती है। तो ये खाना खाने के बाद मैं ले रही थी बालूशाही, ये आप भी खा लीजिए बालूशाही। तो चलिए जी अब हम बालूशाही खा लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छी है ना बालूशाही, देसी घी की होती है ये और बहुत अच्छी, मतलब कि यहाँ की ज़्यादा ही फेमस है। तो चलिए जी। क्या चाहिए किट्टू तुझे? इधर दिखा, इधर चॉकलेट। ये चाहेगी या बोबो चाहेगी? ये चाहेगी है। अच्छा ये बोबो कहाँ से आवेगी? ये बोबो कहाँ से आवेगी? मेले में से आवेगी। और तू है तो एक दो बोबो चाहेगी। हाँ। फिर क्या किया करेगी, खिलाया करेगी सर? और चार इतनी सारी इतनी सारी क्या चाहेगी? बब्बो। ए बब्बो बतेरी तो ये एक बतेरी है तू बस। पापा जी है? यो कंडा। तुझे क्या चाह डुगो? तुझे गुड़िया चाह? कौन सी सब्जियों को क्या चाह? मम्मी से क्यों? मैं तो मिल रही। पापा इसे तो ये वाली चाहूंगी। है एक किट्टू। चल बाय 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 गुड नाइट कर हमारी गुड बाय। चलिए जी बाय बाय अब करते हैं हम इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा कल हमारी चलवा लाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बाय बाय। सुनो कल हमारी छत पर आना। क्या है तुम्हारी छत पे? चंदा मामा। अच्छा चंदा मामा तो सबकी छत पे आना। कल हमारी छत आना। अच्छा कल हम